नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति देव कुंडली के चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव जहाँ पे वे उच्च के हो जाते हैं, किस तरह का शुभ फल हमें प्रदान करेंगे और कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी जहाँ पे वे अशुभ फल दे सकते हैं। इससे पहले हमने बृहस्पति देव के कुंडली के प्रथम भाव, इसे लग्न स्थान बोलते हैं और कुंडली का तख्त स्थान भी बोलते हैं, कि तख्त स्थान यानी कि गद्दी पर बैठा हुआ साधु किस तरह का फल देता है और कौन सी ऐसी कंडीशन में इनमें वो खराब फल दे सकते हैं, उसके बारे में बात की थी। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने बात की थी धन भाव यानी कि सेकंड हाउस। धन भाव में धन भाव का कारक, देखिए कुंडली में बृहस्पति देव कहीं भी बैठी हो, धन के कारक कहे जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास धन की समस्या है तो कुंडली के अंदर सबसे पहले बृहस्पति देव को चेक करना जरूरी होता है कि बृहस्पति देव कहीं किसी कंडीशन में अशुभ तो नहीं हो रहे, और अगर अशुभ हो रहे होते हैं तो हमें कुछ रेमेडीज करके उन्हें ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे धन भाव के अंदर धन भाव का कारक जब खुद बैठ जाता है तो वो किस तरह का फल देता है और किन कंडीशन में वो अशुभ फल दे सकते हैं, उसके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में थर्ड हाउस के अंदर बृहस्पति देव को गरजता शेर कहा है, यानी कि गरजता बब्बर शेर, क्योंकि बृहस्पति देव बब्बर शेर के कारक हैं जानवरों में। देखिए बृहस्पति देव का जब हमने फर्स्ट हाउस में डिस्कशन किया था तो वहां पे बृहस्पति देव की जो बेसिक चीजें हैं उन्हें क्योंकि हर वीडियो में बार बार डिस्कस नहीं कर सकते, तो बेसिक चीजें जिनके वो कारक होते हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां पे जाके जानकारी आप ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव के फोर्थ हाउस में बृहस्पति देव अपने मित्र चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है बृहस्पति देव के परम मित्र हैं, बैठ के बहुत अच्छा फल देते हैं। चंद्रमा इस घर के कारक भी हैं और स्वामी भी हैं, और यहाँ पे बृहस्पति देव खुद उच्च के हो जाते हैं क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पे कर्क राशि आती है और कर्क राशि में आपका बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं। इन्हें कहा गया है राजा विक्रमाजीत व देवराज इंद्र की हैसियत का मालिक, यानी कि ऐसा व्यक्ति राजा इंद्र के समान हैसियत वाला होता है, यानी कि एक अरबपति और दुनिया के सारे सुख उसके पास होते हैं, जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, बहुत आलिशान मकान, बहुत सुंदर पत्नी, नेक बच्चे, बुजुर्ग बड़े पैसे वाले होंगे यानी उनके बाप दादा जो हैं वो भी एक रईस होंगे अगर जिस बच्चे के कुंडली में यहाँ पे बृहस्पति देव होंगे। देखिए आपके पास जो कुंडली है आपने उसमें करना क्या है ये देखना है कि बृहस्पति देव बैठे कहाँ हैं। जब बृहस्पति देव अगर इस घर में बैठे हैं, राशि यानी कि यहाँ पे एक नंबर है, राशि कुछ भी हो वहाँ पे आपने उसे कंसिडर नहीं करना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, इनमें से जिस भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं केवल उस फल को आपने इस वीडियो को देख के कंसिडर करना है। आप राशि के चक्कर में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो हमारे पास कुंडली होती है वो वैदिक ज्योतिष पर आधारित होती है, उसके अंदर राशियां हर भाव में बदलती रहती हैं। लाल किताब पे बेस्ड जो कुंडली होती है वो काल पुरुष कुंडली पे आधारित होती है, तो उनमें राशियां फिक्स हैं, केवल हाउस के अंदर जो ग्रह होते हैं उनकी कंडीशन को कंसिडर किया जाता है। किसी के अगर यहाँ पे 10 नंबर लिखा है तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेगा कि उनके बृहस्पति देव नीच के हैं, क्योंकि 10 नंबर के राशि में बृहस्पति देव नीच के होते हैं। परंतु वो देखेगा अगर बृहस्पति देव यहाँ पे कायम है, यानी कि उनके अदर हाउसेस कौन से 2, 5, 9, 11, 12 में उनके एनिमी प्लैनेट नहीं बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति के पास बहुत पैसा होगा और दुनिया के सारे सुख उसके पास होंगे। देखने में चाहे वहां पे 10 नंबर की राशि में वो नीच के ही क्यों ना दिख रहे हो, तो ये फर्क आपको एस्ट्रोलॉजी के अदर मेथड और रेड बुक एस्ट्रोलॉजी में देखने को मिलेगा, और ये काफी सटीक बैठता है। आप चाहे चेक भी कर सकते हैं आपके परिवार में या आपकी कुंडली में या आपके नियरेस्ट डियरेस्ट की कुंडली में अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है, और ये रूल अप्लाई करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि बृहस्पति देव अगर अच्छे हैं तो किस तरह का फल दे रहे हैं, और अगर खराब हैं तो निश्चित तौर पे
जो फल यहाँ बताए जा रहे हैं वो फल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बृहस्पति देव अगर यहाँ पे हैं तो सबसे पहले बात करेंगे उनकी गुड कंडीशन की, यानी कि नेक हालत, कि कौन से ऐसी कंडीशन हैं जिनके अंदर वो शुभ फल दे सकते हैं। पहले नंबर 1, 2, 5, 9, 11, 12। 2, 5, 9, 11, 12 ये क्या है? ये कुंडली के अंदर आपका सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, ये 5 जो हाउसेस हैं ये अकेले बृहस्पति देव के कंट्रोल में रहते हैं। अगर बृहस्पति देव कहीं भी कुंडली बैठे हैं और उनके जो ये हाउसेस हैं जिनका वो कारक हैं उनमें अगर उनके कोई शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं, शत्रु ग्रह के बारे में पहले बता चुका हूँ, यहाँ भी लिख दिया है, बुध, शुक्र, राहु, शनि, पापी। शनि पापी का मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में भी और उससे पहले भी, कि शनि का पापी होते हैं जब उनके साथ राहु या केतु बैठ जाए या दृष्टि से शनि देव को प्रभावित करें, उस कंडीशन में शनिदेव कुंडली में पापी बन जाते हैं। तो यानी कि इन हाउसेस में अगर शनिदेव बृहस्पति देव के शत्रु ग्रह ना हो उस कंडीशन में बृहस्पति देव यहाँ पे कायम कहे जाएंगे और बहुत शुभ फल देंगे, जैसा कि कहा गया है कि राजा विक्रमाजीत देवराज इंद्र की हैसियत का मालिक, यानी कि दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं है जो उस व्यक्ति के पास नहीं होगा। किस्मत उसका पूरा साथ देगी, लक्ष्मी माता उसके पैरों में पड़ी रहेंगी, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास दौलत खुद ब खुद आती चली जाती है। वो बिना किसी, उसका तांबे का जो पैसा होता है वो भी सोने में चलता है, आप ये समझिए, ऐसा लिखा भी है और ऐसा देखा भी गया है। तो ये रूल अप्लाई होने के बाद बृहस्पति देव कायम है। इसके बाद हान नंबर 3 में बैठे ग्रह कभी बुरा फल नहीं देंगे। जब बृहस्पति देव यहाँ पे हैं कायम हैं तो 3 नंबर में कोई भी ग्रह बैठा हो वो एक कुंडली वाले को कभी भी बुरा फल नहीं देने वाला, ये रूल है। नंबर 3, शुक्र, चंद्र, शनि, मंगल अच्छा फल देंगे। अगर बृहस्पति देव यहाँ पे कायम है यानी कि ये रूल अप्लाई हो गया तो कायम कहे जाएंगे, यानी कि इनके अदर हाउसेस जिसके ये कारक है उसमें कोई शत्रु ग्रह नहीं है तो बृहस्पति देव अच्छे हैं, कायम है, उस कंडीशन में ये 4 ग्रह शुक्र, चंद्र, शनि, मंगल कुंडली में कहीं भी बैठे हों बुरा फल नहीं देंगे, अच्छा फल ही देंगे। नंबर 4, जब चंद्र खान नंबर 1 में और शनि 10 में हो, अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति देव यहाँ पे और चंद्रमा प्रथम भाव में और शनि 10 में, उस कंडीशन में भी शनि देव बहुत अच्छा फल देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? जब सूरज या मंगल उम्दा हो, यानी कि बृहस्पति देव के यहाँ होने पर कुंडली में सूर्य अच्छा हो या मंगल अच्छा हो, इस कंडीशन में भी शनि जो बृहस्पति देव हैं वो बहुत अच्छा फल देते हैं। यानी कि यहाँ पे ये हम पढ़ रहे हैं कि बृहस्पति देव कौन कौन से कंडीशन में शुभ माने गए हैं, तो इनमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई होने पे अगर बृहस्पति देव शुभ हैं तो निश्चित तौर पर जो रिजल्ट आपको बताए हैं कि एक राजा के समान ऐसे व्यक्ति होगा और दुनिया के सारे सुख जो कल्पना में किए जाते हैं वो सारे उसके पास होंगे और वो हर तरह के ऐशो आराम को भोगने वाला होगा। जैसे कई लोग आपने देखे होंगे कि कुंडली कि वो समाज के अंदर या देश विदेश सब जगह घूमते हैं, सब कुछ खाते हैं, पीते हैं, ऐशो आराम करते हैं और पैसा उन पर बेहतर होता है, तो वो इसी तरह के लोग होते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति देव कायम होते हैं अच्छे घरों में, फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, इन कंडीशन में। इसके बाद नेक्स्ट रूल है आपका, जब चंद्र 2 सब अच्छा पर सेहत मंदी, अगर चंद्रमा सेकंड हाउस में है बृहस्पति देव यहाँ के समय, तो ऐसी कंडीशन में सब कुछ जो बताया है अच्छी कंडीशन में वो सब मिलने वाला है, पर सेहत के मामले में ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा हल्का रहेगा, यानी कि उसकी सेहत थोड़ा मंदी रहेगी, उससे अपने पैसे का लगभग 1/4 हिस्सा अपनी सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है, यानी कुछ ना कुछ बीमारी से वो परेशान रहेगा, बाकी धन दौलत तो बेनतिया रहेगी और बाकी सब चीजें उसे मिलने वाली है। नेक्स्ट रूल, जब खाना नंबर 10 खाली तब नंगे बदन बिल्कुल भी नहीं रहना, ये बहुत बड़ा रूल है और इसकी प्रिकॉशन जरूर रखनी चाहिए, यानी कि बृहस्पति देव यहाँ पे
और खान नंबर 10 में कोई ग्रह ना हो, ये उस कंडीशन में खान नंबर 10 खाली, क्योंकि यहाँ पे होने पे बृहस्पति देव आपका सोए कराएंगे। ग्रह कब सोए होते हैं इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जब किसी ग्रह की दृष्टि में कोई ग्रह ना हो, यानी कि बृहस्पति देव यहाँ बैठ के दृष्टि कहाँ डालते हैं, खान नंबर 10 पे, और इसमें अगर कोई ग्रह नहीं है तो सोए कहलाते हैं। पर वो अपना खराब फल कब देंगे, जब ऐसा व्यक्ति घर में, कई लोगों को आपने देखा होगा कि खाली नहाने के बाद टॉवल में घूमते रहते हैं, या वैसे भी घर में रहते हैं तो आपका एक ट्राउजर डाल रखा है, बाकी शरीर पर कुछ नहीं डालते, तो ऐसा व्यक्ति को ये सब नहीं करना चाहिए जिसके बृहस्पति 4 में हो, वरना ये बृहस्पति बहुत अशुभ फल देना शुरू कर सकते हैं। तो उसे नंगे बदन बिल्कुल भी नहीं रहना है, सिर्फ ये प्रिकॉशन लेनी है तो ये बृहस्पति देव बहुत अच्छा फल देंगे जैसा कि बताया है। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल में 8 नंबर पे है आपका चंद्र उत्तम, सिवाय 2 के चाहे कहीं भी हो। इसका मतलब ये है कि जब बृहस्पति 4 में होगा तो चंद्रमा जो है वो अच्छा ही माना जाएगा कुंडली के अंदर, वो कहीं भी कैसे भी कंडीशन में हो, चाहे वो खराब हो रहा हो, चाहे वो किसी ग्रह द्वारा पीड़ित हो रहा हो, कैसा भी चंद्रमा हो कुंडली में कहीं भी हो, वो अच्छा ही फल देगा अगर बृहस्पति 4 में है। इसके अलावा चंद्र कायम हो, चंद्र कायम से मतलब यह है कायम ग्रह के, मैंने आपको बताया है कि जब ग्रह अपने उसके घर में या जिस घर में वह उचका होता है वहां बैठा हो और उस पे किसी शत्रु ग्रह की कोई दृष्टि ना हो और उसके घर में कोई शत्रु ग्रह ना हो, जैसे चंद्र कायम। अब चंद्रमा का घर कौन सा है, 4th हाउस, और उचके कहां होते हैं चंद्रमा, ये 2 नंबर की राशि में, यानी कि चंद्रमा जो है कायम, मतलब चंद्रमा यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन कंडीशन में इनके घर यानी कि इन घरों में और इन घर में जहाँ बैठे हैं उसे पे और उसके दूसरे घरों पे और वहां पे उनको कोई दृष्टि ना आ रही हो, यानी कि 8th हाउस में अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो 8वें घर में कोई प्लैनेट ना हो, 6ठे घर में शनि ना हो, तो ये जो कंडीशन है चंद्रमा कायम कब होगा, जब चंद्रमा का टॉपिक आएगा तब इसे आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि चंद्रमा किन कंडीशन में खराब होता है। जैसे बृहस्पति देव के बारे में बात करें तो कहने में जाए कि चंद्रमा अच्छी कंडीशन में हो, कायम से मतलब अच्छी कंडीशन में हो, उस कंडीशन में क्या है कि ऐसा व्यक्ति कि अगर पिता जिंदा है उस कंडीशन में उस व्यक्ति की जो पढ़ाई है वो उस पर थोड़ी रुकावट आएगी, पर रुकावट आने के बाद भी रुक रुक के सही वो पूरी हो जाएगी। पर अगर उस व्यक्ति के पिता की जब चंद्रमा कुंडली में कायम है और बृहस्पति 4 में है तो उस व्यक्ति के पिता अगर बचपन में ही चले गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी और उसकी पढ़ाई लगातार वो एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेगा। केतु उम्दा, अगर बृहस्पति 4 यहाँ पे हैं और केतु उम्दा कहाँ होते हैं, 12th हाउस में, 9th हाउस में, 2nd हाउस में, 5th हाउस में। अब इन घरों में जो बृहस्पति के घर हैं बेसिकली कि केतु जो है वो बृहस्पति का चेला है और अपने गुरु के जो घर हैं वहीं पे केतु का अच्छा फल माना गया है। जहाँ बृहस्पति खराब होता है उन घरों में केतु भी खराब रहता है। तो केतु जब अच्छी कंडीशन में होगा, यानी कि इनमें और इन घरों में होगा, उस कंडीशन में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति किसी के ऊपर किसी की तालीम में या पढ़ाई के लिए खर्च करता है तो उसे सूद सहित वो पैसा वापस मिलेगा, और ऐसा व्यक्ति अपने अगर चाल चलन को अच्छा रखता है तो वो काफी तरक्की करता है। नेक्स्ट रूल, बुध अच्छा या उत्तम सूर्य 10 में। अगर कुंडली के अंदर बुध अच्छा हो और सूर्य 10 नंबर में हो, 10 नंबर में सूरज का फल वैसे तो खराब कहा गया है क्योंकि शनि का घर है और शनि के घर में सूर्य जो है वो खराब फल देते हैं। पर मैं आपको फिर वही बात कहूंगा कि कोई भी ग्रह कुंडली के अंदर किसी भी घर में बैठा हो, सामान्यता जैसे बृहस्पति देव के 6, 7, 10 और 11 चार घर मंदे कहे गए हैं, खराब कहे गए हैं, बाकी घर अच्छे कहे गए हैं, पर
जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फोर्थ हाउस बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे हम खराब फल भी दे सकते हैं। वो रूल अभी इसके बाद एक हालत के बाद, जब हम मंद हालत के बारे में बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो कोई भी ग्रह किसी भी घर में बैठ के अच्छा फल भी दे सकता है और खराब फल भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर दसवें घर के अंदर बैठ के आपका सूर्य देव उत्तम है, उत्तम कब होते हैं देखिए, एक रूल ये है, ये आगे आगे का टॉपिक है। केतु अगर पहले घर में है किसी व्यक्ति के, केतु पहले घर में है तो कुंडली में सूरज किसी भी घर में हो, नीच का हो, अपने शत्रुओं के साथ हो, कैसी भी कंडीशन में हो, वो उच्च के फल देगा, यानी कि बहुत एक्सीलेंट कंडीशन में माना जाएगा। तो अगर केतु यहाँ पे है तो सूर्य यहाँ पे उत्तम हो जाएंगे, केतु अगर यहाँ पे आ गए तो सूर्य उत्तम हो जाएंगे। तो कहने का है कि सूरज अगर अच्छी कंडीशन में है, बुध अच्छी कंडीशन में है, दोनों में से कोई एक हो, तो उस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा नामी गरामी होगा, उसके खानदान में सब जगह उसका बहुत ज्यादा नाम होगा, प्रसिद्धि बहुत ज्यादा होगी। नेक्स्ट रूल, शनि 2-9-10 में, यानी कि शनिदेव 2 नंबर में हो, 9 में हो, 10 में हो, अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो भी ऐसे व्यक्ति सारे सुख प्राप्त करेगा और मकान उसका बहुत ही ज्यादा आलीशान होगा, क्योंकि शनिदेव इन कंडीशन में बहुत अच्छा फल देंगे। सामान्यतः जब बृहस्पति देव 4 नंबर में होते हैं तो शनिदेव कुंडली के अंदर राहु केतु से अगर प्रभावित ना हो रहे हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं बृहस्पति 4 के समय। तो जब शनिदेव अच्छे होते हैं तो कुंडली के अंदर मकान की कंडीशन कैसी होगी, मकान कितने होंगे, इन सबको कंसिडर करने के लिए आपको शनिदेव को स्टडी करना होता है। तो शनिदेव जब 2-9-10 में होंगे तो ऐसे व्यक्ति के पास सुख तो सारे होंगे ही होंगे, मकान स्पेशली उसका बहुत खूबसूरत और आलिशान होगा। नेक्स्ट रूल, राहु उत्तम, कुंडली में अगर राहु अच्छा है तो उसे घोड़े सवारी जो चंद्र से संबंधित आपके जितनी भी चीजें हैं उनका सुख भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। राहु उत्तम कब होता है, जब राहु 3rd हाउस में हो और 6th हाउस में, यहाँ बैठा हुआ राहु बहुत ही अच्छा फल देता है। अब ये जो हमने 13 रूल की बात करी है, ये अप्लाई करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं इनमें से कोई भी रूल अप्लाई हो रहा हो तो आपके बृहस्पति देव बहुत अच्छी कंडीशन में है। और अब इसके बाद हम बात करेंगे मंदी हालत, यानी कि किन कंडीशन में कौन से रूल हैं जो अप्लाई करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि बृहस्पति देव यहाँ पे खराब हो रहे हैं तो उसके बारे में जानते हैं। अब बृहस्पति देव 4 के समय उनकी कौन सी ऐसी कंडीशन अप्लाई होगी कि जब वो खराब हालत में होंगे, यानी कि मंदी हालत। तो मंदी हालत में पहले रूल के बारे में बात करेंगे, जब बुध खान नंबर 10 में और वर्ष फल में खान नंबर 4 में आ जाए, यानी कि अगर बृहस्पति देव यहाँ पे हैं जन्म कुंडली में और बुध देव हो यहाँ पे खान नंबर 10 में, तो ऐसी कंडीशन में जब वो बच्चा पैदा होगा तो पैदा होने में यानी कि माँ के पेट के समय से ही बृहस्पति खराब के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और बृहस्पति खराब के रिजल्ट क्या है कि आपका जो बाप दादा हैं उनके कारोबार में गिरावट आना, आपका किस्मत का साथ न देना, कुछ ना कुछ मुसीबतों का परिवार को सामना करना, अपने परिवार के लिए वो मुसीबत का कारण बच्चा बन जाएगा, जिसके बृहस्पति 4 का समय बुध 10 नंबर में होगा। यानी कि बृहस्पति जब खराब हो जाता है तो बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देता है। तो वो कहते हैं ना कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ या उसके पैदा होते ही समस्याएं आनी शुरू हो गई, तो वो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। और ये कंडीशन और भी ज्यादा बहुत बुरी कब होगी, जब इस 10 नंबर में बैठा हुआ बुध, देखिए वर्षफल जो हमारी जन्म कुंडली होती है उससे हम ओवरऑल अपनी जिंदगी के बारे में जान सकते हैं कि यहाँ बैठा हुआ ग्रह ये खराब फल देगा, ये खराब फल देगा, पर वो खराब फल कि उनसे साल में देगा उसके लिए वर्ष फल को चेक किया जाता है। वर्ष फल के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ष फल जो है वो आपका जिस दिन जन्मदिन होता है हर साल, जन्मदिन से लेके अगले जन्मदिन तक की जो तिथि होती है उसे वर्ष फल कहते हैं। कि वर्ष फल को जब चेक करते हैं तो ये चेक किया जाता है कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन से ग्रह आपके शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। तो इसलिए जब आपका
जन्मदिन आए उससे एक महीना पहले। एक महीना पहले क्यों? क्योंकि जब ग्रह वर्ष फल के अंदर अच्छे या बुरे फल देने वाले होते हैं तो उनका असर लगभग आपके जन्मदिन से 40 दिन पहले आना शुरू हो जाता है। उनके जो सिम्टम्स हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं कि अच्छे आ रहे हैं या खराब आ रहे हैं, उसका आपको आइडिया लग जाता है। तो हमें वर्षफल शुरू होने से यानी कि जन्मदिन आने से लगभग एक सवा महीना पहले अपनी कुंडली को चेक कर लेना चाहिए। और अगर आप चेक करना नहीं जानते तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालाइज करवा लेना चाहिए कि ये वर्षफल हमारा कैसे रहने वाला है और उसके अकॉर्डिंग क्या प्रिकॉशन और कौन सी रेमेडी जो हमें करनी चाहिए वो समय पर कर लें तो उस साल आने वाले जो प्रॉब्लम है उनको हम कम कर सकें या खत्म कर सकें। क्योंकि अगर आप समय पर चेक नहीं करेंगे तो होगा क्या कि जब प्रॉब्लम आ जाएगी आपको नुकसान दे जाएगी, उसके बाद अगर आप रेमेडी करते हैं तो उसका कोई ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो घटना घटनी थी या जो नुकसान होना था वो हो चुका। तो वर्ष फल के अंदर हर साल जो ग्रह हैं वो अलग अलग कंडीशन में आते हैं। जैसे अगर लग्न कुंडली में आपका बृहस्पति चार में है तो वो हर साल कभी सातवें घर में आ जाएगा, कभी नाइन्थ हाउस में आ जाएगा। इस तरह कुंडली के अंदर जो ट्वेल्थ हाउस है उनमें वो मूव करता रहेगा। इसी तरह सारे ग्रह मूव करेंगे। तो जब दसवें घर का जन्म कुंडली के अंदर बुध वर्ष फल के अंदर फोर्थ हाउस में आ जाए उस साल ऐसे व्यक्ति अपने परिवार अपना जो कुल है उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगा, यानी कि उस साल बहुत ज्यादा खराब फल मिलने वाले हैं। तो हमें उस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि दसवें घर में बैठा हुआ बुध वर्ष फल में अगर चार नंबर में आ जाए तो उसकी प्रिकॉशन और रेमेडी हमें टाइमली कर लेनी है। नेक्स्ट, जब शनि मंदा हो या मंदा कर लिया जाए। अब शनि मंदा कब होता है? जैसे मैंने इससे पहले बताया कि चौथे घर में जब बृहस्पति देव होते हैं तो नॉर्मली शनि उस कुंडली में बहुत अच्छे फल देता है, आलिशान मकान देता है, सब कुछ बहुत अच्छा करता है। पर मंदा हो, मंदा कब? उसकी कंडीशन अप्लाई की थी कि जब शनि पापी होता है तो उसे मंदा कहा जाता है। पापी कब होता है? उसके लिए बताया था कि राहु केतु साथ बैठे हों या उन पे दृष्टि डाल रहे हों, उस कंडीशन में शनि जो है वो मंदा हो जाता है। इसके अलावा शनि अच्छा बैठा है, राहु केतु की कोई युति नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, पर ऐसा व्यक्ति अपने शनि को खुद ही खराब कर ले, जैसे लिखा है कि मंदा कर लिया जाए। अब किन कंडीशन में मंदा कर सकता है? सांपों को मरवाना। देखिए सांप जो है वो शनि को कहा गया है और सांपों को मरवाना यानी कि आप अपने शनि को खराब कर रहे हैं। कई लोग सांप को मारते हैं तो सांप को मारना नहीं चाहिए। सांपों को मरवाना, मकानों को गिरवाना। सांप शनि के कारक हैं, मकान भी कुंडली के अंदर शनि का कारक है, तो मकानों को तोड़वाना गिरवाना से आपका शनि खराब हो जाता है। या बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत जो है वो भी शनि को खराब करती है। व्यभिचार यानी कि जो ऐसे व्यक्ति गलत आदतों का शिकार होता है, गलत आदतों में संगति पड़ा होता है, उसका शनि भी खराब हो जाता है कुंडली में। तो शनि खराब होने की कंडीशन में ऐसा व्यक्ति जो है वो खराब संगति को में रहने का आदि हो जाता है, यानी कि उसे जो गलत लोग होते हैं उसकी संगति जो है पसंद आती है। शराब पीना, नॉनवेज खाना, इस तरह की जो उसके अंदर क्वालिटी है, क्वालिटी कह लो डिसक्वालिटी कह लो, वो पैदा हो जाती है। तो ये कंडीशन में शरीर जो बृहस्पति है वो बहुत खराब हो जाता है और उसके फल सारे जो हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तीसरी कंडीशन है दुश्मन ग्रह बुध शुक्र पापी शनि राहु दस में, यानी कि जो दुश्मन ग्रह हैं वो बुध जो बताई थे दसवें घर में, शुक्र आ जाए, पापी शनि आ जाए, पापी शनि का बताई थे राहु केतु की युति या दृष्टि या राहु बैठा हो, उस कंडीशन में आपकी जो संपत्ति है और दौलत उसको काफी नुकसान पहुंचता है। कुल मिला के ये कंडीशन जब अप्लाई होती हैं तो बृहस्पति देव खराब हो जाते हैं और जब खराब हो जाते हैं तो हर तरफ से किस्मत साथ नहीं देती है। व्यक्ति के पास जो धन होता है वो उसके पास चला जाता है और वो एक गरीबी जिंदगी व्यतीत करता है। राहु मंदा हो, सेम कंडीशन, मंदा कब होता है?
राहु सेकंड हाउस में, एट्थ हाउस में, आपका फर्स्ट हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में, इलेवेंथ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, यानी कि राहु देव जो है वो आपका केवल थर्ड और सिक्स इन टू हाउसेस को छोड़ के बाकी सभी घरों में लगभग मंदा फली देते हैं। तो राहु अगर कुंडली मंदा है तो आपका चंद्रमा कुंडली के अंदर बहुत खराब हो जाता है, और जब चंद्रमा खराब हो जाता है तो आपका जो लिक्विड कैश है, चंद्रमा हमारे लिक्विड कैश का कारक है, लिक्विड कैश है और आपकी माता के सुख में कमी कर देता है, और आपका जो गृहस्थी का सुख है, जो आपके मन का सुख है, जब चंद्रमा खराब हो जाएगा तो ऐसा आदमी हमेशा टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, तो वो चंद्रमा को बहुत बुरी तरह खराब कर देता है। तो सब कुछ होते हुए भी ऐसा आदमी परेशान नहीं दिखेगा। जब केतु मंदा हो तब भी ये कंडीशन अप्लाई होती है कि ऐसे व्यक्ति की औलाद तो बहुत बुरा असर पड़ता है, और उसकी औलाद निकम्मी निकलती है, या उसका कहना नहीं मानती है, या होती नहीं है। तो ये पांच कंडीशन जो है वो है बृहस्पति की मंदी हालत की। इससे पहले 13 जो कंडीशन हमने बताई थी, 13 जो कंडीशन बताई थी, वो बताई थी बृहस्पति की अच्छी हालत की। तो इनको आप एनालाइज करके ये समझ सकते हैं कि फोर्थ हाउस में बैठा बृहस्पति आपके लिए किस तरह का फल दे सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति देव के फिफ्थ हाउस के बारे में। फिफ्थ हाउस जो बृहस्पति देव के मित्र सूर्य देव का घर है, वहां बैठे बृहस्पति कब अच्छा फल देते हैं और कब खराब फल देते हैं। इसके साथ ही आज का एक क्लास हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ग्रह के बारे में, राशियों के बारे में, तो आप पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।